हेलो फ्रेंड्स, पंकज बैक अगेन विद अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएचपी में ऑटो लोडिंग क्लासेस क्या होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है कि ऑटो लोडिंग क्लासेस हम यूज़ करते हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं पीएचपी में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ऑटो लोडिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि रिक्वायरमेंट मीन्स प्रॉब्लम क्या है जो हम लोग ऑटो लोडिंग को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वो समझना है फ्रेंड्स। मोस्टली डेवलपर्स हर एक अपना एक पर्पस या फिर एक फंक्शनैलिटी के लिए एक सेपरेट क्लास बनाना पसंद करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है। सो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक ऑटो लोडिंग अंडरस्कोर क्लासेस फाइल क्रिएट की है। इस फाइल की लोकेशन समझते हैं, यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर जैम्प stdocs, देन हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ऊप्स, देन ऑटो लोडिंग अंडरस्कोर क्लासेस डॉट php। सो फ्रेंड्स, ये हमने एक फाइल क्रिएट की एंड साथ में डायरेक्टरी क्रिएट की क्लासेस, एंड इस क्लासेस के अंदर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुछ फाइल्स क्रिएट की हैं, जैसे कि cat.php, cow.php, dog.php, एंड ये अगर यहाँ से हम समझें तो सारी फाइल्स के अंदर हमने एक क्लास एक डिफाइन की है cat, एंड उसके साथ में एक सिंपल सा एक मेथड डिफाइन किया है जिसमें एक मैसेज दिया है I am a cat, एंड सेम डॉग क्लास के लिए भी एंड सेम क्लास के लिए। अब फ्रेंड्स, ये डिफरेंट क्लासेस हैं, अगर हम ये सेम फाइल में यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक चीज और ध्यान देने की कि जब भी हम यहाँ पर जो फाइल का नेम दे रहे हैं यहाँ पर, सो फाइल का नेम जो है कैट, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए कैट जो क्लास का नेम है। सो ये चीज भी ध्यान देने की इसमें। एंड फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर पीएचपी का ओपनिंग टैग स्टार्ट किया, एंड फ्रेंड्स इसके बाद हमें इन फाइल्स को रिक्वायर करना होगा। मीन्स अगर हम इस फाइल का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, सो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे अवेलेबल तो होगा नहीं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर रिक्वायर स्टेटमेंट से इस फाइल को रिक्वायर करना होगा। हमने क्या रिक्वायर, एंड फ्रेंड्स हमारा लोकेशन है क्लासेस, एंड उसके अंदर है हमारा cat.php। एंड फ्रेंड्स, अगर हमें कोई मेथड इसका कॉल करना है यहाँ पर, तो क्या करना होगा, हमें $cat एरो ऑपरेटर एंड show me मेथड को हमने यहाँ से कॉल किया। सो ये तो फ्रेंड्स एक क्लास की बात है। अगर हमें यहाँ पर ये तीनों क्लासेस चाहिए, मीन्स तीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, ये लाइन को डुप्लीकेट करना होगा एंड यहाँ पर डॉग क्लास को भी रिक्वायर करना होगा एंड काउ क्लास के लिए भी करना होगा। सो एक बार फ्रेंड्स ब्राउजर पर चल के देखते हैं कि अभी क्या आउटपुट मिलता है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कैट के लिए यहाँ पर किया है। सो फ्रेंड्स ब्राउजर पर जाएंगे यहाँ पर, हम ब्राउजर पर जाकर टाइप करते हैं localhost/oops/autoloading_classes.php। एंड फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट आता है I am a cat। सो ये तो एज एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से हम चाह रहे वही यहाँ पर हो भी रहा है। अब फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर ये सोचिए, ये तो अभी तीन क्लासेस हैं, अगर हमें और ज्यादा चाहिए तो हमें हर बार यहाँ पर रिक्वायर करना होगा। एंड जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर, हो सकता है कि अभी के लिए मुझे इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ एंड इनको कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। तो कमेंट किया, एंड फ्रेंड्स अगर मैं इसको डॉग करना चाहता हूँ अभी के लिए, डॉग, एंड यहाँ पर डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड डॉग से अगर मैं यहाँ से कॉल कराता हूँ देन I am a dog। तो ये हमें क्या हो रहा है कि जब हमें फाइल्स हमने सारी रिक्वायर की हुई है, बट पता नहीं कब हमें ये कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा एंड कब डॉग का, बट ये फाइल ऑलरेडी रिक्वायर हो रखी है यहाँ पर। सो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि हमें वो मीन्स कई बार हम भूल भी जाते हैं फाइल को रिक्वायर करना है, एंड यहाँ पर
अगर फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर इस तरह से कमेंट कर दिया मैंने डॉग वाली फाइल को, मींस किसी वजह से हम लोग वो फाइल को इंक्लूड करना या रिक्वायर करना भूल गए, एंड यहाँ पर हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है, फैट एरर आती है फ्रेंड्स। तो अब इस केस में इसका सलूशन क्या हुआ कि फ्रेंड्स पीएचपी एक हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है जिसको हम कहते हैं ऑटो लोडिंग क्लासेस। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑटो लोडिंग होती क्या है, उसमें क्या वर्क करता है, देन हम अगेन यहाँ आएंगे एंड उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स समझते हैं ऑटो लोडिंग क्या है। ऑटो लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली लोडिंग पीएचपी क्लासेस विदाउट एक्सप्लिसिटली लोडिंग देम विद द रिक्वायर्ड वंस इंक्लूड और इंक्लूड वंस फंक्शंस। सो फ्रेंड्स ऑटो लोडिंग में क्या एक प्रोसेस है जो कि पीएचपी क्लासेस को बिना रिक्वायर रिक्वायर वंस इंक्लूड और इंक्लूड वंस के हमारे ऑटोमेटिक क्लासेस को लोड कर देता है। एंड इस प्रोसेस में फ्रेंड्स क्या क्या यूज होता है वो देखते हैं। एक ऑटो लोडर रहता है, एंड ऑटो लोडर इज अ फंक्शन दैट टेक्स अ क्लास नेम एज एन आर्गुमेंट एंड देन इंक्लूड्स द फाइल दैट कंटेन्स द करस्पॉन्डिंग क्लास। सो ऑटो लोडर हम जब कहेंगे दैट मीन्स कि एक फंक्शन के बारे में बात हो रही है, एंड ऑटो लोडर क्या है, एक क्लास नेम एज ए आर्गूमेंट लेता है एंड देन वो उस फाइल को इंक्लूड कर देता है जो उसमें क्लास जो भी क्लास की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उस क्लास से रिलेटेड जो भी फाइल होगी वो उसको इंक्लूड कर देगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स एक हमारे पास पीएचपी में पहले एक फंक्शन होता था मैजिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑटो लोड, जो कि पीएचपी वर्जन 7.2.0 से डेप्रिकेट हो चुका है, ये सब हम उसको यूज नहीं करते हैं। एंड नाउ इट इज रिकमेंडेड टू यूज द स्पेशल एसपीएल अंडरस्कोर ऑटो लोड अंडरस्कोर रजिस्टर फॉर दैट पर्पज इंस्टेड। एंड उसकी जगह पर फ्रेंड्स पीएचपी हमें रिकमेंड करती है कि हम लोग एसपीएल अंडरस्कोर ऑटो लोड अंडरस्कोर रजिस्टर को यूज करें। सो फ्रेंड्स पीएचपी 5.1.2 इंट्रोड्यूस द मोर फ्लेक्सिबल एसपीएल अंडरस्कोर ऑटो लोड अंडरस्कोर रजिस्टर फंक्शन इन इट्स एसपीएल लाइब्रेरी व्हिच अलाउज यू टू रजिस्टर मल्टीपल ऑटो लोडर फंक्शंस। सो पीएचपी वर्जन 5.1.2 से एक और हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एंड वो फंक्शन क्या है, एसपीएल अंडरस्कोर ऑटो लोड अंडरस्कोर रजिस्टर, जो कि हमें मल्टीपल ऑटो लोडर फंक्शंस को अलाउ करता है रजिस्टर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अगेन हम लोग चलते हैं अपनी फाइल में, समझते हैं एक एग्जांपल से किस तरह से ऑटो लोडिंग वर्क करता है। फ्रेंड्स जिस तरह से अभी हमने समझा कि ऑटो लोडिंग में क्या हो रहा है कि हमारी ये जो फाइल्स हैं इन्हें हमें रिक्वायर नहीं करना है, एंड ये ऑटोमेटिकली जिस तरह की जैसे ही हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर, हम जिस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हमारा ऑटोमेटिक वो पीएचपी फाइल को इंक्लूड कर देगा यहाँ पर। वो किस तरह से करता है समझते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग अभी के लिए रहने देते हैं एंड इससे कमेंट कर देते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि ये फाइल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, एस पी एल अंडरस्कोर ऑटो लोड अंडरस्कोर रजिस्टर ये फंक्शन कॉल किया, एंड फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, कॉल लेवल ऑटो लोड फंक्शन, मीन्स एक अनोनिमस फंक्शन हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं फंक्शन, एंड उसके अंदर एक आर्गुमेंट होता है क्लास अंडरस्कोर नेम, कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर क्लास अंडरस्कोर नेम लिया एंड देन फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर फ्रेंड्स हमें इंक्लूड करना है अपनी फाइल को। सो इंक्लूड स्पेस क्लासेस लोकेशन क्लासेस के अंदर है, देन फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कॉन्केटनेट करके डॉलर क्लास अंडरस्कोर नेम कॉन्केटनेट करके डॉट यहाँ पर डॉट पी एच पी फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। सो यहाँ इंक्लूड किया है बट ये हमारा लोकेशन क्लासेस के अंदर, एंड ये क्लास के नेम यहाँ से मिलेगा। एंड फ्रेंड्स ये हमने कमेंट्स कर दिए थे, अभी हमने एस एस
pl_autoload_register यूज करके हम कर रहे हैं। अभी ब्राउजर पर चल के देखते हैं कि आउटपुट हमें सेम मिलता है या कुछ चेंज आएगा इसमें। तो ब्राउजर पर चल के हमने रिफ्रेश किया एंड फ्रेंड्स आई एम अ डॉग। अभी भी हमारी क्लास, लेकिन क्लास कौन सी यूज हो रही है, जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वही क्लास यहाँ पर लोड हुई है, बाकी फाइल्स को रिक्वायर इंक्लूड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर सेम टाइम पे हम अगर इस चीज़ को देखने के लिए हम किस तरह से देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एको भी करा सकते हैं कि हमने एको करा के इस चीज़ को कि कौन सी क्लास अभी लोड हो रही है। तो हमने यहाँ पर एको करा दिया एंड साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एक br टैग भी दे देते हैं जिससे कि पता चले। तो अभी क्या हो रहा है कि हमने एक ही, अब देखिए सिर्फ डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, तो अगर मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो क्लास डॉग PHP सिर्फ ये फाइल हमें रिक्वायर या इंक्लूड यहाँ से हुई। बट अगर सेम टाइम पे मैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तीन ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, कैट का भी एक ऑब्जेक्ट, कैट का ऑलरेडी है बना हुआ हमारा, एंड यहाँ से एक काउ के लिए बना देते हैं एंड ये लाइंस को हटा देते हैं एंड काउ के लिए वेरिएबल काउ। एंड फ्रेंड्स अभी मैंने मेथड कॉल नहीं किया, जस्ट मैंने इसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होते देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसने ऑटोमेटिक उसको फाइल को इंक्लूड कर दिया यहाँ से। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या है कि हम मल्टीपल क्लासेस को जब कहीं यूज करना होगा सो ये बहुत ही मीन्स बेनिफिट मिलता है कि आपको ये जरूरत नहीं है हर बार रिक्वायरी इंक्लूड करने की, आप सिर्फ रजिस्टर कर सकते हैं उसको ऑटो लोड से एंड ये ऑटोमेटिक उस क्लास को इंक्लूड कर देगा जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आप। एंड फ्रेंड्स इस केस में हम लोग यहाँ देख रहे थे, अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, अब यहाँ पर ये देखिए अपने अनोनिमस फंक्शन है, अगर आपको मल्टीपल ऑटो लोडर को रजिस्टर करना है तो फ्रेंड्स उस केस में क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया फंक्शन, जैसे कि आपने ये देखा अनोनिमस फंक्शन है, मीन्स यहाँ पर कुछ नाम नहीं दिया इस फंक्शन का हमने एंड बट ये फंक्शन ही यहाँ पर बनाया हमने। अगर मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ कि लोड क्लासेस एंड उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर ये वाली लाइन जो है वो मैं इसके अंदर यहाँ पर एंड यहाँ से क्लासेस को क्लास नेम को मैं यहाँ से एज ए आर्गुमेंट पास करता हूँ। सो इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि अब हमें ये फंक्शन का नेम को यहाँ पर इस तरह से पास करना है एंड यहाँ सिंगल कोट में लोड क्लासेस। अब अगर हम दोबारा से ब्राउजर पर चल के देखें तो यहाँ हम देखते हैं ये अभी भी हमारा वर्क कर रहा है एंड वर्क क्या कर रहा है कि अभी हमने सिर्फ ये मेथड को कॉल किया डॉग क्लास के। अगर हम सेम तीनों क्लासेस के भी कॉल कर सकते हैं, सो हमने यहाँ पर कैट के लिए भी किया एंड कॉग के लिए भी किया। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तीनों के लिए यहाँ पर मैसेज आ जाता है, न्यू लाइन नहीं आया बिकॉज, तो एक ही लाइन में हमें सारा कुछ दिख रहा है। तो ये तो फ्रेंड्स हुई बात यहाँ पर क्लासेस के लिए। सो अगेन अगर मैं यहाँ पर एक क्लास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास माय क्लास एंड वो क्या करता है फ्रेंड्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करता है माय इंटरफेस। अगर इस तरह की कुछ यहाँ पर कॉल होती है सो अभी देखिए फ्रेंड्स अब मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है कि एक क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहता है माय इंटरफेस को, बट ये इंटरफेस अभी हमने कहीं पर डिफाइन नहीं किया है, ना ही किसी फाइल को इंक्लूड किया है जिसमें ये इंटरफेस हो और ना ही क्लास। तो अब अगर हम ब्राउजर पे जाके देखें फ्रेंड्स तो ये क्या हमें आउटपुट इतना ही करने के बाद में क्या मिलने वाला है। तो ब्राउजर पे जाते हैं रिफ्रेश करते हैं एंड फ्रेंड्स यहाँ देखिए वार्निंग
My interface failed to open Steam, no search file directory. And fatal error भी है friends, यहाँ पर interface not found. So इससे क्या आप समझते हैं, इससे क्या हुआ कि जैसे ही हमने कोई एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की एंड उस इंटरफेस को भी यहाँ से इसने रजिस्टर करने की कोशिश की एंड वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मीन्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ पर ये एरर थ्रो करेगा फैटल एरर. सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लासेस एंड इंटरफेसेस दोनों को ही हम रजिस्टर कर सकते हैं ऑटो लोडिंग. सो फ्रेंड्स आई होप कि ये आपको ऑटो लोडिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. फ्रेंड्स ये जब भी हम लोग फ्रेमवर्क में वर्क करेंगे वहाँ स्पेशली ये सब ऑटो लोड रजिस्टर यूज होता है, बिकॉज वहाँ पर हम लोग ऑन द फ्लाई क्लासेस को रजिस्टर करते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पर उस क्लास को यूज करते हैं. सो फ्रेंड्स आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको ऑटो लोडिंग क्लासेस का समझ में आया होगा. अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है इसको लेकर, सो प्लीज़ हमें कमेंट्स में पोस्ट करिए. सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.